कि देश की आज जरूरत है कि देश में पुनः प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी जैसा कर्मयोगी पुनः प्रधानमंत्री बने। जरूरत है कि नहीं बताइए, जरूरत है कि नहीं बताइए, है ना। इस जरूरत को पूरा करने के लिए, देश की इस जरूरत को पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए आज इस सभागार में उपस्थित हमारे कई चिकित्सक भाई है, माला सिन्हा जी और उनकी पूरी टीम है, सितेश जी की टीम है, ये सारे लोग मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए आए। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ठोस रणनीति बनाने में लगी हुई है। वहीं राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि आने वाले समय में केंद्र में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। वहीं भारी संख्या में आज जिस तरह से बीजेपी में डॉक्टरों ने सदस्यता ग्रहण किया है, तो उन्होंने कहा कि आज कहीं ना कहीं इससे और बीजेपी को बल मिलने वाला है। पूर्व मेयर प्रत्याशी माला सिन्हा ने भी आज बीजेपी का दामन थामा, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बीजेपी का कुनबा बिहार में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वहीं ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि जिस तरह से बिहार में इन दिनों नीतीश कुमार सरकार को चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता को इससे कोई भी विकास नहीं हो रहा है। 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो बिहार में जो है विकास का धारा बहेगा। आपको हम उन तमाम बयानों के साथ छोड़े जाते हैं कि क्या कुछ कहना है बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा का। आज के इस विधान समारोह के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं बिहार प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी, मंच पर हमारे नेता विजय सिन्हा जी, माननीय नंदकिशोर यादव जी, माननीय प्रेम जी, माननीय जनक राम जी, माननीय राजेंद्र गुप्ता जी और इस सभागार में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, मीडिया के मित्र भाइयों और बहनों, आज लंबा भाषण देने का दिन नहीं है। मैं बस दो बातें आपके बीच में कहने आया हूं। पहली बात ये कि देश की आज जरूरत है कि देश में पुनः प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी जैसा कर्मयोगी पुनः प्रधानमंत्री बने। जरूरत है कि नहीं बताइए, जरूरत है कि नहीं बताइए, है ना। इस जरूरत को पूरा करने के लिए, देश की इस जरूरत को पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए आज इस सभागार में उपस्थित हमारे कई चिकित्सक भाई है, माला सिन्हा जी और उनकी पूरी टीम है, सितेश जी की टीम है, ये सारे लोग मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए आए। दोस्तों, मोदी जी का हाथ मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, और मोदी जी का हाथ कमजोर होगा तो ये देश कमजोर होगा। हमको ये याद रखना है, एक चाय पिलाने वाले गरीब का बेटा है मोदी, जिसने देश भर में 10 साल में कड़ी मेहनत करके गरीब का कल्याण किया है। एक गरीब का बेटा है नरेंद्र मोदी, जो अमेरिका जाता है तो आज अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष भी झुक कर प्रणाम करता है कि मोदी जी आए। मोदी जी वो मोदी जी है कि पाकिस्तान हो या चाइना, आज भारत पे नजर उठाने से पहले सोचता है कि मोदी बैठा हुआ है, हाथ तोड़ के फेंक देगा। मोदी के साथ कोई मजाक करने का काम कोई नहीं, करने का गुंजाइश भी नहीं छोड़ा है मोदी जी ने। मोदी जी ने देश के विकास का बात हो, गरीब के कल्याण का बात हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में देश का गौरव हो या देश की सुरक्षा हो, मोदी जी ने जो काम किया है वो अभूतपूर्व है, और हम सबको मिलकर मोदी जी का हाथ मजबूत करना है। मित्रों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 24 के चुनाव के लिए कमर कसे और मोदी जी का हाथ मजबूत करे, और साथ ही साथ एक प्रण ले। हमारे अध्यक्ष माननीय सभराज चौधरी जी ने एक प्रण लिया है कि जब तक नीतीश बाबू को विदा नहीं करेंगे रिटायरमेंट के तरफ, तब तक न रुकेंगे न थकेंगे, और समाज की चीज नहीं है। अगर बिहार बचाना है, अगर बिहार को प्रगति के पथ पे लाना है, बिहार को अगर बचाना है, बिहार को प्रगति के पथ पे लाना है, बेरोजगारी हटानी है,
गरीबी का समाधान चाहिए तो एक ही कसम खानी होगी, और वो कसम है कि सम्राट जी के प्रण को पूरा करना है, नीतीश बाबू को विदा करना है, और भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में 2025 में